नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार टीईटी का जो साइट है वो भी नहीं खुल रही है। मैं उसको लेकर मैं आज आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो आप वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम चले। तो ऐसे आप लोग ट्राई कर चुके होंगे लेकिन इसका जो साइट है वो नहीं खुल रहा है। आप देख पा रहे हैं, मैं गूगल में भी इसको www.bacb.online.net पे भी सर्च कर रहा हूँ। तो सर्च करने के बाद जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये खुल रही है। आप भी खोल रहे होंगे तो यही चीज़ दिख रही है। यहाँ पर लिख रहा है, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, अटैकर्स माइट बी ट्राइंग टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम www.bacbonline.net। मतलब ये बताना चाह रहा है कि आपका अटैकर्स जो है आपका इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। इसको लेकर वेबसाइट को बंद किया गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है, बिहार टीईटी का जो रिजल्ट है बहुत जल्द इसको घोषित करेगी। इसको लेकर बिहार टीईटी जो साइट है उसको ब्लॉक किया गया है, उस पे रिजल्ट डाली जा रही है। आप लोगों का जो रिजल्ट है, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो उसमें पोस्ट की जा रही है। जब बारी बारी से सभी स्टूडेंट्स का जब इसमें रिजल्ट आ जाएगा, डाल दिया जाएगा, तो डालने के बाद ओपन वेबसाइट को ओपन कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर चैनल को लॉक कर दिया गया है, वेबसाइट को लॉक कर दिया गया है, और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पे डाली जा रही है। इसके कारण इसका ये कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट शो कर रही है। जो आप लोग भी इसको खोल के पहले देखे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये फालतू वीडियो मेरे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन ये फालतू वीडियो नहीं है। क्योंकि पिछले बार 21 सितंबर को जब रिजल्ट घोषित किया गया था, फर्स्ट टाइम जब रिजल्ट घोषित किया गया था तो किसी को नहीं बताया गया था, किसी को नहीं मालूम था, कोई भी एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया था कि बिहार टीईटी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसका फिक्स डेट नहीं आया था, लेकिन एकाएक घोषित कर दिया गया था। सबसे पहले मैं ही अपने चैनल पे आपको बताया था और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इसे ही शेयर किया था कि बिहार टीईटी का रिजल्ट आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और इस बार भी वही हो रही है, बिहार टीईटी का रिजल्ट जो है डाली जा रही है। इसका भी रिजल्ट एकाएक जारी किया जाएगा। और आप लोग को मैं बता दूं कि पेपर के माध्यम से ये बताया गया था कि जनवरी के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब बच्चे हंगामा करने लगे, डिमांड करने लगे, तो रिजल्ट बता दें उन्होंने बताया कि फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी होगा। लेकिन आपको याद रहे कि अब जनवरी का लास्ट वीक चल रही है और फरवरी का फर्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है। तो इसी बीच में आपको उम्मीद है कि 28, 29 और 30, इसी बीच में आप लोगों को रिजल्ट, इस तीनों दिन के बीच में आपको रिजल्ट डाल दिया जाएगा। बिहार विद्यालय समिति द्वारा जो बिहार टीईटी का जो साइट है उस पर रिजल्ट, बिहार टीईटी का रिजल्ट डाल दिया जाएगा। आप लोग चैनल पे बने रहें, जैसे ही वीडियो आएगी, जैसे ही रिजल्ट आती है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आगे चैनल पे बने रहें। मेरा ये चैनल मकसद आप लोगों को गुमराह नहीं करना था, लेकिन आपको ये बताना था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना रिजल्ट जो वेबसाइट पर डाल रही है, आप लोगों को रिजल्ट बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है कि 28, 29 और 30 के बीच में आप लोगों का रिजल्ट में भी आ जाएगी। और सभी को शुभकामनाएं, सभी पास हों। मेरी सभी से यही गॉड से ही गुजारिश है कि सभी आदमी इसमें पास, ताकि बिहार में बहुत सारी वैकेंसी हैं, जो जितने अप्लाई हुए हैं सबको जगह मिल सकती है। इतनी वैकेंसी बिहार में अभी भी खाली है। तो आगे चैनल पर बने रहें, जो भी अपडेट आती है आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी और बिहार टीईटी का रिजल्ट जो है बहुत जल्द घोषित किया जाएगा। थैंक यू।